संसद परिसर में 12 विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन, सोनिया बोली तवांग मामले में सरकार जीत पर अड़ी, जनता को सच पता नहीं लग रहा है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, घनी धुंध में 14 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी, महिलाओं से बात के रास्ते में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। पीएम मोदी मास्क लगाकर गुजरात में घर घर गए थे क्या, स्वास्थ्य मंत्री की राहुल को चिट्ठी भेजने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। तालिबान का नया फरमान, अब अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं कर सकेंगी महिलाएं। पठान कॉन्ट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान ने बढ़ाया देश का सम्मान, दुनिया के 50 महान एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हुआ नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। देश भर में आज सुबह से व्यापारियों के इन ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने नेतृत्व में छापेमारी की गई। बता दें कि लखनऊ के शकुंतलम प्लाईवुड वाले गुप्ता के यहाँ छापेमारी के साथ नाका इलाके में भी व्यापारियों के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अस्पताल में मरीज स्ट्रेचर नहीं मिला और अस्पताल में वार्ड बॉय की जगह तीरमारदार अपने मरीज को बिना स्ट्रेचर के खुद ही व्हीलचेयर में धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में कर्मचारी अपनी मनमानी चलाते हैं, मरीज के तीरमारदार से बदसलूकी भी करते हैं, जिससे अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं। लेटने वाला नहीं मिला क्या? ये कुर्सी कोई ने उठाया नहीं आपको? मतलब कोई ने सोचा नहीं आपको? हम खुद उठा के लाए। अच्छा, कोई बाढ़ वाई आप नहीं मिलता क्या? जाने हमें नहीं मालूम। नहीं मिला स्ट्रेचर? नहीं मिला। तो आपने कोई कहा था उससे स्वास्थ्य विभाग? हाँ, तो कान ले आधार जमा करिए, गाड़ी उठा ले जाइए। अच्छा, दिया नहीं आपको? ना। तो आप ऐसे खींचते रहेंगे क्या? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? ये 209 नंबर में ले जा रहे हैं। तो ऐसे पकड़े ले जाएंगे खींच के क्या? ऐसे क्या करें। कहाँ रहते हैं भैया? कन्नौज। जो चोट लगी, क्या नाम है इनका? समीर। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता रामऋषि हमारे साथ जुड़ेंगे। रामऋषि, देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही सामने आती है, क्या है पूरा मामला ये? रामऋषि, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी। लगातार देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आती है, कन्नौज में क्या है ये पूरा मामला? देखिए नंदनी, ये पूरा मामला कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर जो है तीमानदार हैं, खुद स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं, ये किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी कोई भी इसमें बाइट या कोई अभी वो नहीं किया गया है कोई कार्रवाई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामऋषि। गोंडा में दिल दहला देने वाला एक मामला फिर से सामने आया। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई चौराहे के पास दिग्विजय सिंह मेमोरियल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के मुताबिक महिला यूट्रस निकलवाने के लिए डॉक्टर डीके सिंह के पास गई थी, जहाँ डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन कर यूट्रस निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मरीज को अनट्रेन्ड कंपाउंडर के हवाले कर दिया, जहाँ मरीज को खून चढ़ाना हुआ तो अनट्रेन्ड स्टाफ ने से ठंडा ब्लड निकालकर मरीज को चढ़ा दिया, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। कल दिन में लेके आए थे अपनी बहन को यहाँ एडमिट कराने के लिए, लेके आए तो ऑपरेशन बताए करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया, बिलेट बोले बिलेट लेके आए, बिलेट लेके आए, फ्रीज में रखा। शाम के टाइम सब सही था, सारी तबीयत ठीक थी, बिलेट लेके गए, चढ़ाया ठंडा ही बिलेट चढ़ा दिया।
ये 2 बजे रात में दादा तबीयत खराब हो गई। 2 बजे रात में हम लोग भागते हुए ले गए, यहाँ कोई नहीं रहता, एक खाली लड़का था, उससे बार बार कह रहे भैया चल के देख लो भैया। वो मुझे आज ही पता चला है, मरीज के अटेंडेंट का फोन आया था कि उनके मरीज की स्टेटमेंट की गई है प्राइवेट नर्सिंग होम में, दिग्विजय सिंह मेमोरियल समथिंग करके नर्सिंग होम का नाम है, और कल शायद दिन में ऑपरेशन हुआ है और रात के टाइम पे मरीज की डेथ हुई है। इसके विषय में ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में झारखंड से निकली भारत जोड़ो पदयात्रा का स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक छर्रा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और यूपी कांग्रेस सचिव अखिलेश शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो पदयात्रा को शक्तिशाली बनाने के लिए झारखंड से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को हौसले को सलाम करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रही है। वहीं भाजपा पर तंज कसा कि भाजपा सांप्रदायिक जातिवाद के साथ भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी साल 2024 के चुनाव में भारत की जनता को मजबूत बनाने का काम करेगी। इसके साथ ही पठान फिल्म को लेकर भी कसीदे पढ़े और झारखंड के साहिबगंज के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पठान फिल्म में आपत्तिजनक सीन हटाने की बात भी कही। साहिबगंज झारखंड से आ रही है और नकुल मिश्रा साहब के नेतृत्व में जो जिलाध्यक्ष हैं और बदरपुर बॉर्डर तक जा रही है ये भारत जोड़ो यात्रा, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि जो 1200 किलोमीटर राहुल जी से प्रेरणा लेके इस अवस्था में जो लोग पैदल चल रहे हैं, इसके लिए मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जो लोग पैदल मार्च वहां तक कर रहे हैं। अच्छा, 2024 के चुनाव का क्या फायदा रहेगा इसको? ये हमारा राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का यात्रा शुभारम्भ किया था, तो हमको प्रेस के लोगों ने कहा कि राहुल जी क्या 3570 किलोमीटर आपका पदयात्रा करेंगे, क्या ये सब बात बोल रहे हैं। हमने प्रेस के लोगों को कहा भाई राहुल जी ने संकल्प लिया है और राहुल जी जो बोलते हैं वो करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी 3570 किलोमीटर चले जाएंगे। लखनऊ के गोमती नगर के रिवर फ्रंट स्थित कुकरेल नाले के पास देर रात 9:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि कार सवार 4 लोग और एक कुत्ता नदी में डूब गया। वहीं नदी में डूबे सभी लोगों में से 2 युवकों को स्थानीय युवक की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। प्रशासन और पुलिस की मदद से लगातार एक महिला और एक पुरुष की तलाश जारी है। घटना का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर पहुंचकर हर तरह से मदद की जाए। यहाँ से होकर एक कार में 4 लोग सवार होकर यहाँ से सड़क से जा रहे थे। इस सड़क आपने देखा होगा कि ये नदी के सतह से लगभग मिल सी गई है और उनकी गाड़ी स्किड करके पानी में फिसल गई। पानी में फिसलने की वजह से उनमें से जो है 2 व्यक्ति के निकल पाने में सफल हुए, अन्य 2 की तलाश अभी जारी। रायबरेली में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि खुलेआम जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। आए दिन लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो रहे हैं। हाल ही में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ड्यूटी कर वापस घर जा रहे रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घर रेलवे कर्मचारी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बावजूद इसके प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। ड्यूटी से ऑफिस से वापस आ रहे थे मेरे हस्बैंड और चाइनीज़ मांझे से इनके गले में चोट आई है। ये ओवर ब्रिज से उतर रहे थे ITI वाले, वहीं पे ये हुआ है हादसा। तो हम बस ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो तुरंत, कि चाइनीज़ मांझा खरीदना और बेचना दोनों रोका जाए, बिल्कुल उस पर बिल्कुल बैन हो, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इस पर बिल्कुल तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, इसको तुरंत बंद करवाया जाए। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि इसको तुरंत बेचने और खरीदने पे तुरंत इसकी रोक हो।
देवरिया में नगर पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो इलाके में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सभी प्रत्याशी अपना जोर लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 4 कठिनहा से प्रत्याशी पद चुनाव लड़ रहे विनय प्रकाश सिंह ने शिक्षा और विकास को महत्व बताया। इसके साथ ही कहा, जो हमारे वार्ड में अधूरे कार्य है उसे मैं पूरा करने का काम करूंगा। सरकार की तरफ से जो भी मूल रूप सुविधाएं आती है जनता तक नहीं पहुंच पाती है उसे मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जनता का आशीर्वाद और जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूँगा पूरी जनता को, आप मीडिया प्रभारी को, कि आप आए और मेरी एक बाइट लेने की कोशिश की। सबसे पहले जो मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वार्ड जो है हमारा, ये नगर पालिका में अभी नया नया जुड़ा हुआ है। इसके पहले भी जो भी चीज़ें थीं वो ग्राम प्रधानी और BDC के थ्रू होती थी। इसके पहले हमारे यहाँ BDC भी रही हैं, हमारी माताजी, हमने कुछ काम किए हैं, लेकिन समय ना होने की वजह से कुछ परियोजनाएं जो हमने लिखित रूप से दी थी वो नहीं हो पाई। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनसा देवी मंदिर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लड़की की मौत से परिजनों में कोहरा मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलक यादव, उम्र 17 साल, मनसा देवी मंदिर के पास उनका घर है, तो वो फांसी लगा के एक्सपायर हुई है, तो हैंगिंग का केस है। यहाँ लाए थे, ब्रॉड डेड थी, उसको मॉर्चरी में रखवा दिया गया। रायबरेली में जगतपुर थाना क्षेत्र के बघोला गांव में एक महिला पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक महिला गल्ला व्यवसायी उधारी का पैसा मांगने गई थी, वहीं पर गल्ला व्यवसायी ने महिला पर तमंचे के बल से हमला कर दिया और महिला को वहीं घायल होकर गिर पड़ी, जिसके बाद घायल महिला को आनंद फानंद CIC पहुंचाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया, संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूरा मामला, मैंने पैसा मांगने गए थे उनसे, 109 कट्टी गेहूँ बेचा था, आज 3-4 साल हो गए। फिर पहले गाली दिया, उसके बाद हमारी लड़की का, उनकी माँ डंडा लेके बैठी थी, उसके बाद वो कट्टा लेके निकाल रहे हमारे बिंटा के भल मारा। उसके बाद हम हमारे रायबरेली में महाराजगंज तहसील में जोना ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की मिली भगत से सड़क निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने DM कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही DM को मामले से जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम प्रधान की तरफ से भ्रष्टाचार करते हुए बिना काम के भुगतान कराया जा रहा है। प्रधान जी वर्तमान प्रधान है, इससे पहले भी थे, उन्होंने 2018 में आलिमगंज से हवलदार की पुरवा तक लगभग 3 लाख रुपया खरिंजा के नाम पर पैसा निकाल लिया। कागज़ पे एक भी ईंटा नहीं लगा। गुरदत्त की पुरवा से श्रीचंद के दरवाजे से रामदास के दरवाजे तक 1,65,000 रुपया निकाल लिया मौके पर, कागज़ पे निकाला है, मौके पे एक ईंट नहीं है। जंगा सिंह के पुरवा में भगवान दीन पाल के दरवाजे से विजय पाल के दरवाजे तक खरिंजा के नाम पर पैसा निकाल लिया, एक भी ईंट नहीं लगी है। प्राथमिक विद्यालय आलिंगगंज में इंटरलॉकिंग के नाम पे 2021 में जो है लगभग 1 लाख रुपया निकाल लिया है। आज अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस।